छतरपुर के बस स्टैंड पर हर साल की ही तरह इस बार भी श्री सिद्धि विनायक नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा मां दुर्गा का दरबार सजाया गया। बीती शाम समिति के द्वारा गायक खनिज देव चौहान की भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि देर रात तक श्रोता भजनों की धुन पर झूमते हुए नजर आए। इस साल मां सिद्धि विनायक नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर खास झांकी सजाई गई है। भजन गायक खनिज देव चौहान से बात की हमारे छतरपुर के संवाददाता विनोद मिश्रा ने। मौजूद है छतरपुर के बस स्टैंड पर, जहां पर श्री सिद्धि विनायक नव दुर्गोत्सव समिति के द्वारा प्रतिवर्ष यहां पर मूर्ति एक विशाल आकर्षक मूर्तियां रखी जाती हैं, जिसमें कुछ न कुछ संदेश समाज में दिया जाता है। ये वह मूर्ति है, आप देखें, इसमें शेरावाली माता है, अर्धांगिनी शिवजी पार्वती जी की मूर्ति है, और वही देखा जाए तो जो ये संदेश नशा मुक्ति को लेकर दिया जा रहा है, ये नशा मुक्ति की तस्वीरें हैं, ये नशा मुक्ति को लेकर पूरा संदेश दिया जा रहा है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं खनिज देव चौहान, जिनके द्वारा ये पूरा आज इस कार्यक्रम में भजन संध्या के जरिए आज यहाँ पर धूम मचाया जाएगा। जी खनिज जी, स्वागत है आपका हमारे। आइए, सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि प्रणाम, जय माता दी। क्या संदेश है आपकी तरफ से? सबसे पहली बात तो ये है कि माता रानी के श्री पावन चरणारविंद में और आदरणीय अपने दादा अशोक गोस्वामी जी के सानिध्य में यहाँ पर हमें हाजिरी लगाने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो यहाँ संदेश दिया गया है कि आज के जो युवा हैं उन्हें नशा मुक्त होना चाहिए और देश के हित में और अपने समाज के हित में और अपने सभी समाज वर्ग के हित में काम करना चाहिए और देश के लिए आगे आकर एकजुट होना चाहिए। और नशा मुक्ति का जो यहाँ संदेश दिया गया है बहुत ही बड़ी चीज़ है। क्या कहेंगे, क्या संदेश आपका नवरात्रि के पर्व पे? जी, मेरी तरफ से यही संदेश है कि माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे और सभी लोग अपने जीवन में अच्छा काम करें, ऐसा काम करें जिससे उनका दुनिया में नाम हो, जिससे वो अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर सके, कुछ अच्छा कर सके। जहाँ पर नवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर विशाल झांकी सजाई जाती है, कोरोना काल में कोरोना की झांकी सजाई गई थी, और तमाम ऐसे संदेश है जो समाज में दिए जाते हैं। छतरपुर से INH के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।